गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। कभी कभी जो लगातार थकान होती है, जो लगातार आपको टायर्डनेस होती है, जो लगातार आपको फटीग की फीलिंग होती है कि मेरे शरीर में तो एनर्जी ही नहीं है, मैं तो लगातार थका हुआ हूं और मुझे किसी भी काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वास्तव में कभी कभी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। तो अगर ये सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो उन सिम्टम्स को समझिए जो इंडिकेट करते हैं कि ये जो थकान है ये सामान्य नहीं है, शायद ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। नंबर वन, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी लैट्रिन में ब्लड आया या आपको वॉमिटिंग में ब्लड आया, दोनों में से कभी ब्लड आया तो वास्तव में आपको खून की कमी हो जाएगी, आपको एनीमिया डेवलप हो जाएगा। जब भी आपको वॉमिटिंग होती है ब्लड की या लैट्रिन में ब्लड जाता है, यह हमेशा अंडरलाइंग सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। तो आपको लगातार थकान बनी हुई है एंड सडनली आपको खून की उल्टी या लैट्रिन काली हो जाती है या ब्लड की लैट्रिन होती है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर दो, अगर आपको लगातार थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है और इसके साथ आपको बार बार सिर में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होता है, इन दर्द के साथ कभी कभी फेंटनेस भी आ जाती है या फेंटिंग भी आ जाती है, ये हमेशा ब्रेन की किसी बड़ी समस्या का संकेत है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसका मतलब बार बार अगर सर में दर्द हो रहा है, उसके साथ में फेंटिंग की फीलिंग आ रही है और इसके साथ में लगातार थकान बनी हुई है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर लगातार थकान है, फटीग बना हुआ है, उसके साथ बीच बीच में आपको चेस्ट में पेन आता है और इस चेस्ट पेन के साथ इस एरिया में ऐसा लगता है कि बहुत जकड़न आई, हल्की सी सांस में दिक्कत लगती है या हल्का सा पसीना आ जाता है, या इसके साथ आपको लगता है कि आपकी जो हार्ट की रेट है वो इरेगुलर हुई, अगर ये दोनों सिम्टम्स तीनों सिम्टम्स आते हैं और थकान भी लगातार आपको परसिस्ट कर रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आपको बैठे बैठे सांस फूलती है, चलने फिरने में सांस फूलती है और अगर लेटने में सांस फूलती है, अगर ये तीनों एरियाज में आपको सांस फूलती है, ये वास्तव में इस चीज का इंडिकेशन है कि या तो आपको खून की कमी है या आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या वास्तव में आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है और इसके साथ में लगातार आपको एक थकान या फटीग बनी हुई है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो थकान के साथ अगर थोड़ी भी सांस में दिक्कत है तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नौ, अगर आपको लगातार फटीग है, थकान बनी हुई है और साथ में आपको बीच बीच में बहुत तेज पेट में दर्द होता है, जो दर्द यहां भी रहता है, कभी पीछे की तरफ भी जाता है, नीचे पेल्विक एरिया में भी चला जाता है, तो अगर रिकरेंट आपको पेट में दर्द आ रहा है, उसके साथ में नौशिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, भूख की कमी भी हो सकती है, लेकिन साथ में आपकी जो थकान है वो परसिस्ट कर रही है या आपको लगता है कि आपको लगातार फटीग परसिस्ट कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर थकान के अलावा या टायर्डनेस के अलावा आपके दिमाग में बार बार आत्महत्या का विचार आता है या सुसाइड के जो ना थॉट्स आते हैं या सुसाइडल थॉट्स आते हैं या आपको जो ना अचानक अंदर से इतना गुस्सा आता है कि किसी दूसरे आदमी को नुकसान कर दूं, किसी को चाकू मार दूं, डंडा मार दूं, इसको जो ना गोली मार दूं, अगर इस तरह के आपको विचार आते हैं, चाहे सुसाइडल थॉट्स हो चाहे ये थॉट्स हो कि किसी दूसरे आदमी का नुकसान कर दें और इसके साथ में थकान भी परसिस्ट करती है, तो ये वास्तव में मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये अर्जेंट अटेंशन मांगती है। नाउ जब भी आप अपने डॉक्टर के यहां जाएं तो आपको वास्तव में क्या बात करने की जरूरत है? नाउ जब भी आप डॉक्टर के यहां जाएं तो आपको बताने की जरूरत है कि ये जो टायर्डनेस है या ये जो फटीग है, ये स्टार्ट कैसे हुई? जब से ये स्टार्ट हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये वास्तव में उतनी ही है, कम हो रही है या वास्तव में बढ़ रही है, यह आपको अपने डॉक्टर से बताने की जरूरत है। और इसके साथ कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की, उन सब सिम्टम्स को आपको खुली आंख से देखना है और उनके बारे में आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इसके अलावा डॉक्टर को बताने की जरूरत है कि क्या आपको कोई दूसरी बीमारी है या मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आप दवाइयां लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सांस की दिक्कत हो, क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज हो, जो भी आपको दूसरी मेडिकल कंडीशन है उसके लिए आप क्या दवा लेते हैं, इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। नो
आपको देखने की जरूरत है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ स्ट्रेस का लेवल परसिस्ट कर रहा है, चाहे आप वो काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस का लेवल परसिस्ट कर रहा है, चाहे आप कोई इस तरह का काम, इमोशनल स्ट्रेस या सोशल आपकी लाइफ ऐसी है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है एंड उससे डिस्कस करने की जरूरत है। एंड जैसा मैंने अभी कहा कि आपको अपनी जो मेडिकेशंस हैं उनमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कंटिन्यूस फटीग या थकान लेके चलते हैं, पर्टिकुलरली मेडिसिन जो डिप्रेशन के लिए यूज की जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको लगातार थकान बनी हुई है, आपको लगता है कि टायर्डनेस जा ही नहीं रही है, आपको लगता है कि फटीग इतना ज्यादा है कि ये आपकी लाइफस्टाइल को असर डाल रहा है, एंड आपको लगता है कि बहुत सारे जो लाइफस्टाइल हुए सब चेंजेस आपने करके देख लिए फिर भी टायर्डनेस नहीं जा रही है, तो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है कि कहीं कोई मेडिकल कंडीशन का इंडिकेशन तो नहीं है ये टायर्डनेस। तो इसलिए जो सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे, इन सिम्टम्स को खुली आंख से देखें, और अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें, इन डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये जो थकान आपको हो रही है और ये आपको सिम्टम्स हैं, कहीं कोई मेडिकल कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है बॉडी में जिसके चलते इतना ज्यादा फटीग है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर फटीग और सिम्टम्स इनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट ओलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।